नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और आज की जो ये वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ आधार कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड है, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। कोई भी काम आप करते हैं तो ऑनलाइन हो रहा है, और ऑनलाइन जितने भी हम काम करते हैं उसके लिए आधार कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल लेता है। तो दोस्तों, हम कुछ भी अब ऑनलाइन कर रहे हैं आधार कार्ड के जरिए ही होता है, तो हमें कई बार प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे आधार कार्ड है, बहुत सारे ऐसे आधार कार्ड है जिसके साथ उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, लिंक नहीं है, या किसी के साथ लिंक भी है तो वो मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है जो उस समय आधार कार्ड के साथ आपने लिंक किया था। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसकी वजह से कोई भी ऑनलाइन कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई चाहे बैंकिंग के ट्रांजेक्शन है, चाहे पीएफ अप्लाई कर रहे हैं, या किसी तरह की कोई भी किसी तरह का कोई भी लीगल काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने अपने मोबाइल आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इजी तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कैसे कर सकते हैं आधार कार्ड के अंदर, या अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही करना है, आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और उसमें आपने गूगल सर्च इंजन ओपन करना है, और उसके सर्च इंजन में डालना है UIDAI। उसके बाद आपने कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले अगर आप जो आपके पास जो सर्च रिजल्ट आएगा, सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा UIDAI का ऑप्शन आएगा, इसकी साइट नीचे देख सकते हैं, साइट याद करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने जो सर्च इंजन है उसमें UIDAI लिख के एंटर कर देना है। तो पहला ऑप्शन है उसी पे मैं क्लिक करूंगा, आपके पास भी ऑप्शन सबसे फर्स्ट में ही आएगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप नोट करना चाहते हो तो यहाँ ऊपर से यहाँ से नोट कर सकते हैं आधार कार्ड की जो साइट है, नहीं तो नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। सीधा आपने गूगल में सर्च कर देना है UIDAI, और सबसे पहला जो आपको सर्च रिजल्ट आएगा वो उसके ऑफिशियल साइट का ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ साइट में आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर अपना चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डालनी है, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको स्क्रॉल नीचे करना है, स्क्रॉल डाउन करना है आपने, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आधार ऑनलाइन सर्विसेज आ गया है, ठीक है, ये साइट है, ठीक है। यहाँ नीचे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आधार ऑनलाइन सर्विसेज का, ठीक है दोस्तों। तो ये है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे है एनरोलमेंट एंड अपडेट सेंटर इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे उस सेंटर के नाम आएंगे जो एनरोलमेंट सेंटर है आधार कार्ड के, जो बैंक और पोस्ट ऑफिस के अंदर ओपन है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, लोकेट एनरोलमेंट एंड अपडेट सेंटर्स। यहाँ पे वो वाले लिस्ट आएंगे, उस सेंटर के लिस्ट आएंगे जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में नहीं है, वो अलग से सेंटर है, उसके लिस्ट यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले हम जो लिस्ट देखेंगे वो देखेंगे ये फर्स्ट ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में सेंटर्स है आधार कार्ड के, उसको हमने देखना है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक अलग से एक अलग टैब में एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो एनरोलमेंट सेंटर है उसको सर्च करना है। तो सर्च करने के यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, पिन कोड वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, और सर्च बॉक्स के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं जो आपको प्रेफर करूंगा, आप पिन कोड से या स्टेट वाइज यहाँ पे सर्च करिए। देखिए, अगर स्टेट वाइज सर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मेरा स्टेट है चंडीगढ़, तो मैं चंडीगढ़ सेलेक्ट करूँगा। साथ में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, चंडीगढ़ ही है मेरी डिस्ट्रिक्ट तो चंडीगढ़, और सब डिस्ट्रिक्ट भी चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ आपने अपना सेलेक्ट करना है। साथ में यहाँ पे विलेज टाउन यहाँ पे सर्च करना है। सबसे बेस्ट जो रहेगा आपके लिए पिन कोड रहेगा। यहाँ पे आपने सर्च करने के बाद यहाँ पे आपने ये वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पे एंटर करना है, और साथ में यहाँ पे सर्च
एक क्लिक कर देना है। बट मैं आपको जो प्रेफर करूंगा, मैं पिन कोड सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर पिन कोड मैं आपके लिए प्रेफर करूंगा, पिन कोड के जरिए ही आप सर्च करिए। तो मैं यहाँ पिन कोड पे क्लिक करूंगा, जैसे पिन कोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा सिर्फ पिन कोड एंटर करने का। तो मैं अपना पिन कोड एंटर करता हूँ यहाँ पे, आपने अपना पिन कोड एंटर करना है जहाँ पे भी आप रहते हैं। ये देखिए मैंने मेरा पिन कोड एंटर किया और नीचे यहाँ वेरिफिकेशन कोड है, इसको LCT जैसा कि ऊपर जो करेक्टर्स है वही मैं यहाँ पे नीचे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे नीचे आपको एक सर्च ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च पे आपने क्लिक करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे सर्च डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन रजिस्टर नेम आ गए हैं। यहाँ पे एक HDFC बैंक लिमिटेड है, एक इंडियन पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस है, और HDFC बैंक लिमिटेड, दो HDFC बैंक लिमिटेड और एक इंडियन पोस्ट के सर्च रिजल्ट मेरे सामने आ गया है। साथ में देखेंगे तो एजेंसी का नेम भी आपको दिया गया है और सेंटर की समरी, जो सेंटर का एड्रेस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है कि वहाँ पे जाके जैसे कि जैसे ही आप इस एड्रेस पे जाएंगे तो किस पर्सन से आपने वहाँ पे मिलना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये सेंटर जो अपडेट हुआ है उसकी डेट लिखी हुई है, अपडेटेड सेंटर है, और सेंटर टाइप यहाँ पे लिखा रहेगा, ये परमानेंट है या कैंप बेस है, कैंप बेस है या परमानेंट है, वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा। तो ये परमानेंट है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे तीनों ही परमानेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन आपके पास रजिस्टर नेम है, एजेंसी नेम है, तो यहाँ तीनों में से आप देख सकते हैं आपके आपको नज़दीक में क्या पड़ता है, वहाँ पे जाके आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक सजेशन मैं दूंगा, यहाँ पे जाके आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों अपडेट करवाइए, ठीक है। तो इन फ्यूचर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ वेरिफिकेशन ऐसी भी होती है जो आपको मेल से भी करनी पड़ती है वेरीफाई, और आपको मोबाइल नंबर से करनी पड़ती है वेरीफाई। तो कुछ ऐसे काम भी है ऑनलाइन जिसमें आपको मेल आईडी भी वेरीफाई करना पड़ता है आधार कार्ड से जो लिंक है, और मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना पड़ता है जो आधार कार्ड से लिंक है। तो दोनों चीज़ आप वहाँ पे अपडेट करवा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा, चलिए ये तो आ गया पोस्ट ऑफिस और बैंक का, अब दूसरा इन दोनों के अलावा भी कई एजेंसीज है जहाँ पे कुछ जाकर आप अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को अपडेट करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एनरोलमेंट सेंटर है जो बैंक और पोस्ट ऑफिस के बिना भी ओपन है, तो उसकी लिस्ट कहाँ से आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सर्विसेज में आप आपने पहले फर्स्ट नंबर पे गया था, सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो चुकी है, देखने में बिल्कुल सेम वैसी विंडो है जैसे कि आपने यहाँ पे देखी थी, ठीक है। जैसे आप इस विंडो पे, जैसे पिछले वाले विंडो पे जो गए थे हम, जो बैंक और पोस्ट ऑफिस एनरोलमेंट सेंटर सर्च में, तो वहाँ नीचे यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू है, यहाँ पे आप लोकेट एनरोलमेंट एंड अपडेट सेंटर जो अदर है, बैंक और पोस्ट ऑफिस से अदर है, वो यहाँ पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए मैं आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा, स्टेट वाइज सर्च कर सकते हैं, पिन कोड वाइज सर्च कर सकते हैं, और सर्च बॉक्स, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा पिन कोड से आप सर्च करिए। ये देखिए मैंने पिन कोड पे यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे पिन कोड डालने का ऑप्शन आ गया है, तो मैं अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। साथ में वेरिफिकेशन कोड है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए साथ में आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ओनली परमानेंट सेंटर्स। मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि ये आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको टिक मत करिए, क्योंकि अगर आप इस पर टिक नहीं करते हैं तो जो परमानेंट है और जो कैंप बेस्ड है वो सारे आपको यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपने यहाँ पे परमानेंट कर दिया तो सिर्फ परमानेंट वाले शो करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट में वहाँ लिखा होता है कि कौन सा परमानेंट है कौन कैंप बेस्ड है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे नीचे ये पूरी सर्च डिटेल्स आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्टर नेम आ गया यहाँ पे, ठीक है, साथ में एजेंसी नेम आ गया यहाँ पे, और सेंटर समरी, सबके एड्रेस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे संपर्क 47 सेक्टर 47, चलिए इस तरह से बहुत सारे लिस्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है।
तो साथ में यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम भी आ जाएगा कि आपने इस एड्रेस पे जाके किस पर्सन से कॉन्टैक्ट करना है, तो वो लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और यहाँ पे लास्ट अपडेट है कि ये लिस्ट है कब अपडेट हुई थी, वो सारी डेट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेंटर टाइप आपको लिखा रहेगा। जैसे कि आप फर्स्ट देखेंगे तो कैंप मोड पे है और बाकी यहाँ पे परमानेंट है, तो यहाँ पे वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ चाहते हैं कि इस लिस्ट को आपने सेव करके रखना है, तो यहाँ पे आपको ऊपर पे एक एक्सेल का ऑप्शन मिलेगा। एक्सेल के ऑप्शन पे क्लिक करके इस जो ये लिस्ट है उसको आप सेव भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करता हूँ और ये लिस्ट मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये लिस्ट मेरे पास ओपन हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ा आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास लिस्ट आ चुकी है। तो ये सारे लिस्ट है, जो भी आपके घर के नज़दीक पड़ता है, जो भी एड्रेस आपके घर के नज़दीक पड़ता है, यहाँ से आप चेक कर लीजिए और वहाँ जाके आप अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों अपडेट करवाना है आपने, ध्यान रखिए। और इस एड्रेस पे जाके आपने जिस पर्सन से कॉन्टैक्ट करना है, वो यहाँ पे नाम उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नाम भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये लास्ट अपडेट कब की है। लेटेस्ट अपडेट में आप जाइए तो बेहतर रहेगा। जो ये लिस्ट आप जो क्रिएट हुई है उसका अपडेशन यहाँ पे लिखा हुआ कि कब अपडेट हुआ है। जैसे ये देखिए, सबसे लेटेस्ट है ये 15th of December 2018, ये सबसे लेटेस्ट है। तो यहाँ पे जाना बेहतर रहेगा, तो यहाँ पे आप जाइए और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए। दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जो मोबाइल नंबर अपडेशन है वो आपको सेंटर पे जाकर ही होगा, उसीलिए मैंने ये प्रोसीजर आपको बताया है। जिस दिन ये ऑनलाइन हो जाएगा तो मैं आपको ऑनलाइन प्रोसीजर भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए, ये सारी लिस्ट आ गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।